आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन विदिशा जिला मुख्यालय के साथ साथ तहसील एवं राजस्व न्यायालयों में एक साथ किया गया है। नेशनल लोक अदालत में कुल 10,669 प्रकरण रखे गए। लोक अदालत के लिए जिला मुख्यालय पर 12 खंडपीठों का गठन किया गया है, जबकि बांसुदा में 7, सिरोंज एवं कुरवाई में 3-3 एवं लटेरी खंड स्तरीय न्यायालय में 2 खंडपीठों का गठन किया गया है। इसके अलावा राजस्व न्यायालयों के प्रकरणों के लिए 5 खंडपीठों का गठन किया गया है। लोक अदालत में लंबित समझौता युग्य सिविल आपराधिक एवं अन्य प्रकरण सहित प्री लिटिगेशन के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। अध्यक्ष श्री राकेश यादव जी, सचिव श्री प्रेमचंद गांधी जी, श्री प्रेमनाथ शर्मा जी, भाई अतुल वर्मा जी, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के श्री सुधीर सिंह जी, निवेश जी, विभिन्न बैंक से पधारे उनके ऑफिशियल्स, विद्युत विभाग से पधारे समस्त अधिकारी कर्मचारी, नगर निगम नगर पालिका से पधारे हुए सभी ऑफिशियल्स, साथी कर्मचारीगण, श्री 16 मार्च 1982 को गुजरात के जूनागढ़ में हुआ। इसके बाद एक न्याय व्यवस्था लोक अदालत के संबंध में महाराष्ट्र राज्य ने अडॉप्ट की 1984 में। इसके बाद 1987 में एक कानून आया लीगल सर्विस अथॉरिटी का, जिससे सभी लोक अदालत गवर्नेंस होती है, और उसमें परिकल्पना की गई थी, बताया गया था कि किस तरीके से ठहरा की सिस्टम रहेगा। नालसा, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, सालसा जो कि स्टेट में है, यहाँ पर भी जो स्टेट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो उनके अध्यक्ष होते हैं। इस तरीके की बात आई कि अंदर जी आएंगे, उन्होंने आके बताया कि भाई किस तरीके से मीडिएशन करना चाहिए, युद्ध को रोका जा सकता है, लेकिन उनकी बात नहीं मानी तो क्या परिणाम हुआ। महाभारत की बात हुई, वहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित हुए, उन्होंने मेडिएशन करने का पूरा प्रयास किया और बताया, युद्ध की विभीषिका बताई कि युद्ध होगा तो कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसकी बात नहीं मानी है। तो ये सारे प्रसंग एक्चुअली में बहुत मध्यस्थता की बात जहाँ आती है वहाँ पर प्रसंग आते हैं। सर्वप्रथम तो आप सभी को, जैसा कि मिश्रा साहब ने बताया,